कौन सी थी? मैंने बच्चे पूछते हैं अकबर कौन सी, तमूर कौन सी, औरंगजेब कौन सी। मैंने जवानी पूछती पंजाब दी, जनरल जोरावर सिंह कौन सी, अकाली फूला सिंह कौन सी। लेकिन मैं जब जवाब देने वेले मैं शर्मा जाना तो मैं संजू आ जाते हैं कि साढ़े माँ बाप ने स्कूल वाले ने जिंदगी साढ़े पंजाब के बच्चों वारस पढ़ाए ही नहीं। अज इकट्ठे होकर सारे मैं तो हाथ जोड़न आया, सब मिल के एक दूजे ने जफ्फी पा के हाथ हाथ पा के आप पंजाब को बचा लिए, नहीं तो मैं तुम्हें दस दिना इतने भीख मंगे भी रोटी नहीं मिलनी तो 15 साल बाद रेगिस्तान बन जाना, इतने पानी मिल जाए। मैं समझदा जे आने वाली नस्ल संभालनी है और पंजाब नू इस तो ज़्यादा गर्क पंजाब हुण हो नहीं सकता, मिट्टी च रल गया है, खत्म हो गया, हुण इत्थों उठ ही सकता। और मैं खुशी है कि मैं अपने देश में बहुत कुछ दिता और मैं अपने देश में एक ऐसा तोहफा दिता है जिस पुत को मैं पैदा करके वड्डा करके उन्होंने एक गल कही जी तेन कैंसर है, जो तू मर भी गया देश वास्ते कोई गल नहीं हो रही, देश की कुर्बान। मेरे को फौज तैयार है लेकिन वो फौज तैयार है जिड़ी फौज वड्डी नू बाप बराबर दी धी ते छोटी नू भैण समझती है। जिस दिन बंदियां दा किरदार इहो जिहा बन जाएगा पंजाब उभर के उत्थे आ जाएगा जिथे पहले। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं डीएस कक्कड़ जगबाणी टीवी तुहाडा स्वागत करदा। योगराज सिंह एक बड़ा वड्डा नाम पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की गल करिए या फिर किसानी संघर्ष की गल करिए या फिर गल करिए उन्होंने लोगों की जेडे परमात्मा को बहुत मनते हैं, परमात्मा के नाल जुड़े हुए रहे लोग जड़े ने उन्होंने एक नाम आता है योगराज सिंह का। अब योगराज सिंह राजपुरे पहुंचे ने, स्कॉलर पब्लिक स्कूल विशेष तौर पर पहुंचे हैं बच्चों उत्साह देने वास्ते, मोटीवेट करते और कुछ इनाम वंड समारोह कह सकते हैं असं, कुछ स्पोर्ट्स जिन्होंने नाम जिन्होंने इनाम जीते हैं लोग बच्चों ने उन्होंने सन्मान देने वास्ते इतने पहुंचे हैं और उन्होंने गलबात करते हैं भी की कहना चाहते हैं बच्चों बारे और की कहना चाहते हैं पंजाब की जी अगे राजनीति है या नवजोत सिंह सिद्धू के बड़ा समर्थन इन्होंने शुरू तो ही किया उन्होंने बारे उन्होंने कुछ सवाल पूछते हैं भी उन्होंने की कहना है भी क्या पंजाब सुरक्षित हथा है कि अगे रणनीति की होएगी उन्होंने या नवजोत सिंह सिद्धू की रणनीति होएगी पंजाब में लैके जी हम 2022 दोणा आ रही ने उन्होंने बारे उन्होंने की कहना है थोड़ी गलबात कराते हैं अंदर चलते हैं। योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे धर्मां दे चरणां च मेरा प्रणाम, सारी दुनिया के चरणां च मेरा प्रणाम। मेरी एक ड्यूटी गुरु घर च लगी हुई कि जिथे जाना है सच बोलना है, बुलंद आवाज बोलना है और जो स्कूल ते कॉलेजेस दे बच्चे ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, उन्होंने सिक्ख्या जरूर देनी। पर मैं अपना जाती फर्ज समझता ही नहीं कि भारती जी उन्होंने कह के मैं बुलवाया या मैं इत्थे तुहाडे कोल बैठा। मैं इस करके आना कि शायद जे मेरे कुछ अल्फाजों के नाल किसी एक दी भी जिंदगी बदली जाए तो मैं अपने आप नूं वड़भागी समझदा। मैं अपनी लाइफ दे विच 25,000 बच्चा ऐसा ट्रेन किया उस गुरु महाराज की कृपा ना, मैं तो कौन करने वाला, मैं तो गुरु घर के कुकर का कुकर भी नहीं। और वो बच्चे आई एस अफसर, पी सी एस अफसर, पहले क्रिकेटर ते स्पोर्ट्समैन नहीं बने, बिजनेसमैन दुनिया के पोलिटिकल पॉलिटिशियंस। और मैनू खुशी है कि मैं अपने देश में बहुत कुछ दिता और मैं अपने देश में एक ऐसा तोहफा दिता है
जिस पुत नूं मैं पैदा करके वड्डा करके उन्होंने एक गल कही जी तैनूं कैंसर है, जे तू मर भी गया देश वास्ते कोई गल नहीं होना जी, देश ते कुर्बान। मैं हर जगह जिथे भी जाना स्कूल कॉलेज बच्चों, मैं पंजाब मुहिम चलाई सी प्लांटेशन की चल रही है, कोई 14-15-20 स्कूल कॉलेज ने सनाम बठिंडे इधर सारे जिथे अकैडमीज मैं खोल रहा, हालांकि कम मंत्रियों का मेरा नहीं, पर यह मेरा जाती फर्ज है अपने सारे, वो बच्चे स्पोर्ट्स के ला रहा। इस स्कूल चाहन का मकसद मेरा यही है कि कुछ माँ बाप ना मैं गल कर सकता, कुछ मैं बच्चों दस सकता कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, और यहोजे मुआजिब लोग जोड़े बैठे है इन्हों रिश्तिया बारे इन्ह के संस्कार बारे दस सक। अज पंजाब उजड़ा इस करके खड़ा है क्योंकि असी अपनी जवानी सेध दे ही नहीं सके, एक कसूर साढ़े माँ बाप का है, एक कसूर साढ़े स्कूल कॉलेज का, इस कसूर साड़ी सोसाइटी का, और सब तो वड्डा कसूर उन्हों का जिहड़े कहिंदे ने हसी रहनुमा जी स्टेट। मैं समझदा जे आने वाली नस्ल संभालनी है और पंजाब नू इस तो ज़्यादा गर्क पंजाब हुण हो नहीं सकता, मिट्टी च रल गया है, खत्म हो गया, हुण इत्थों उठ ही सकता। और मैं कसम खाधी है गुरु घर ने मैं तापड़ा दिता, बाबा दीप सिंह जी महाराज का गुरु घर चो, बाबा टाला सिंह जी तो उतों तू जाना तो पंजाब वास्ते मरना, पंजाब वास्ते जीना, लेकिन वो वास्ते पंजाब की जवानी, पंजाब के बच्चे, पंजाब के अधखड़ के बच्चे, छोटे बच्चे, उन्होंने ये सीध देन वास्ते मैं मुहिम शुरू की है, ताकि आने वाला पंजाब जिहड़ा है वो साड़ी नस्ल बचा सके, ते असी अपने गुरु के सामने रब के सामने सुरखरू हो सकीए कि मैं बाबा जी तुसी मैं धरती ते भेजिया सी, मैं थोड़ा काम कराया, होया नहीं होया ये तेरी मर्जी है। सो मैं गुरु घर का होका दिंदा फिरदा, यही मेरी ड्यूटी है, यही मेरा काम। सो पंजाब पिछला लंबा समा है, पंजाब जिहड़ा तुसी उस समय जिहड़ा भी काम किया है उस समय लैके सभ्याचार लैके हुण नूं लैके तुसी कह रहे हो पंजाब दे जिहड़ी सोने दी चिड़ी उस समय कहा जांदा सी, पंजाब हुण गर्क हो चुका, इहदे च किहनूं दोषी मानदे हो? देखो जी, हुक्म तो अकाल पुरख का होंगे, जिव जिव हुक्म देवे तो उकार गल इत हो गई, लेकिन साड़ी पंजाब की धरती तो मैं बड़े दुख नाल कहना पैंदा कि जिन्हें इतने सूरमे पैदा हुए उस तो वध इतने गद्दार पैदा हुए, और गद्दारां दे नाम साढ़े वड वडेरे का कसूर है, वो तुसी भी जानते तो मैं भी जान, एक सिलसिला तो इतों शुरू नहीं होया, तिब्बत तो लैके श्रीनगर तो लैके कंधार तो लैके दिल्ली तक पंजाब सीगा, सीगा तुहाडे कोल हिस्ट्री पढ़ी सारे, कित्थे गया, एडा क्यों रह गया? ये मेरा बहुत वड्डा सवाल है, जवाब मैं लोग देंदे ने, किसी नूं पता ही नहीं। जे किसी नूं मैं दसा भी तैमूर आया सी, मुगल आए सी, अंग्रेज आए सी, आ होया वो होया, वो कहिंदे अच्छा जी कौन सीगे, मैनूं बच्चे पुछदे है अकबर कौन सी, तैमूर कौन सी, औरंगजेब कौन सी, मैनूं जवानी पुछदी पंजाब दी जनरल जोरावर सिंह कौन सी, अकाली फूला सिंह कौन सी, लेकिन मैं जब जवाब देने वेले मैं शर्मा जाना तो मैं अंजू आ जाते हैं कि साढ़े माँ बाप ने स्कूल वाले ने जिंदगी साढ़े पंजाब के बच्चों वारस पढ़ाए ही नहीं, दसे ही नहीं। हर बंदा कहता है मैं ठीक हाँ, मेरे को सब कुछ है, मैं तेरे तो की लैना, मैं तेरे तो की लैना, तो मैं तेरे तो की लैना, तेरी जेब जो भी मैं कड़ रहा तो तेरी जेब जो भी कड़ रहा, लेकिन मैं वो पंजाब का समा देखा, मेरे वीर मेरे छोटे भरावों तो वड्डे हो तुसी भी देखे है, जब एक दूजे पिछे आप जीते होंगे सी मरते होंगे सी, एक पिंड च रहिंदे सी, एक धी का विआह होना तो सारे पिंड वाले इकट्ठे होकर धी का विआह करते, मैं वह पंजाब देखे जिथे मैं 22-23 साल फिल्म इंडस्ट्री काम किया, तो पिंड रहा, तो पिंड वाले ने कहना साडा मुंडा है धरती का, साडा शेर है, साडे गुरू है, लेकिन मैं वह भी समा देखे जब उत्थे धीआं भैणां मावां वो जिहड़ियां मैनू अपना पुत बना के भरा बना के अपना बजुर्गों के नाल रह के उस घर के रोटी खानी 20-20 दिन रहना, कणक मिध देनी जट दी, तो मैं कहना जी पैसे लै लो, तो कहते तो शर्म करया कर, साडा पुत्र है तू बाबा सारे किले मिध दे जिहड़ा तू कम पंजाब वास्ते करी जाना कोई नहीं करता। सो मेरा कहने का मतलब है, मैं गल खत्म करदा कि बहुत जरूरी गल ये अपने सारे वास्ते, कोई किसी एहसान नहीं कर रहा, अज इकट्ठे होकर सारे मैं तो हाथ जोड़न आया, स
सब मिलके एक दूजे ने जफ़ी पा के हाथ हथ पा के आप बचा लीए, नहीं तो मैं थोड़े दस दिना इतने भीख मंगे भी रोटी नहीं मिलनी तो 15 साल बाद रेगिस्तान बढ़ जाना इतने पानी मिल जाए। तो किसानी अंदोलन लंबा समा हो चुका है, हूँ नेड़े लगे है, शायद लगता कि विधानसभा चोणां नेड़े ने, केंद्र सरकार इस खेती को रद्द करेगी, यह लगता कि उम्मीद है। मेरी जिम्मेवारी जी लगी सी जी वो गुरु घर तो लगी सी, तो किसानों के नाल रहा, सच बोलना, सच की आवाज़ बुलंद करनी है। मैनू गुरु घर तो ड्यूटी लगी सी, नवजोत सिंह सिद्धू बाहर कढ़ के लिया 18 महीने हो गए घर बैठे। मेरी ड्यूटी लगी सी कि मैं जरनैल कट्ठे करके 100, 200, 500, 600, 1000 जरनैल मैं कट्ठा कर लिया, वो पंजाब को देना। कल कोई आवे ना आवे, इलैक्शन का कुछ बने ना बने, पर मैं अपनी जिंदगी जी है वह पंजाब की तरक्की वास्ते लानी है, तो पंजाब में उभारन वास्ते लाना। बेशक को जी मैं मर जा, मैं शहीद हो जा, मैं कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरे को फौज तैयार है, लेकिन वह फौज तैयार है जी फौज वड्डी नूं मां बराबर दी नूं धी ते छोटी नूं भैण समझदी है। जिस दिन बंदियां दा किरदार इहो जिहा बन जाएगा, पंजाब उभर के उत्थे आ जाएगा जिथे पहले। सो लगता नवजोत सिद्धू बारे तुसीं गल कीती वी उहनां नूं असीं मैदान च लिआंदा है, हुण नवजोत सिद्धू दे हत्थ कमांड नहीं आ रही और चन्नी जी दे हत्थ कमांड है, वो आपसी काटो पुलिस नूं लै के फिर अही लंबा समां जिहड़ा इसे तरह चलदा रहेगा, इस गल नूं कि औरंगजेब जद मरिया सी ना ते 10वें पाशे चिट्ठी दे के बीमार होया सी, उस तों वड्डा तख्त ताज दा मालक कोई नहीं होया, बहुत जुल्म करिया, फिर भी उभरिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अंदोलन नहीं चलाया, चलाया दसो नहीं चलाया। वह कहते हूँ इदा है, हूँ इट का जवाब पत्थर दिता जाएगा। याद रखियो पंजाब वासियों, मैं जी कह चलिया, जिन्ने मर्जी तुसी तसीहे कर लियो, जिन्ने मर्जी तुसी अंदोलन कर लियो, लेकिन जद तक आप सारे धर्मां दे लोग, सारे वर्ग के लोग कट्ठे होकर जफ्फी पा के जिदा पहला रेंदे सी नहीं रहना शुरू करा गे, तद तक पंजाब दे विच खुशहाली नहीं। लास्ट सवाल, एक गल मेरी याद रखी, लास्ट सवाल है जी, तुसीं सिद्धू साहब दा विचार दिओगे चोणां दे विच? मैं पंजाब वास्ते जो करना है वह मैं करना, मैनू किसी दसण दी लोड़ नहीं कोई भी होवे, लेकिन जरनैल वो एक इहो जिहा जिहड़ा सच्चा सुच्चा है। तो कहिंदे ने कि गंद दे विच फुल नहीं खिलदे, मैं कमल दा फुल खिलदा। सो बाकी ये नवजोत सिंह सिद्धू जाने, मैं उहदे नाल खड़ा खड़ूंगा तो खड़ा रहूँगा, लेकिन जे गल ना बनी तो फिर मैं जरनैल जिहड़े इकट्ठे कीते गए हाँ असीं तुरंगे, पंजाब की तरक्की वास्ते, पंजाब के बच्चों वास्ते, पंजाब के लोगों वास्ते, साढ़े सूरमे जिहड़े हैगे वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो असीं जरूर पंजाब की सेवा करांगे, करना ना करना खुदा दी। अच्छा एक छोटा जिहा पर्सनल क्वेश्चन, तुसीं स्पोर्ट्समैन सीगे, बिजनेसमैन सी, एक्टिंग दा खेत कित्थों तुहानूं लग्गा? ना मैं स्पोर्ट्समैन सी ते ना मैं बिजनेसमैन, जट का मुंडा बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता, पहली गल। मेरे बापू ने बाप लाता, मैं कि काम च मैं फसाया, जायदाद प्यो की मिल गई मैनू तो मैं की किया, कुछ नहीं किया। बच्चे थोड़े घर पैदा होए, एडा वा स्कूल, करोड़ा रुपया थोड़े को, थोड़े बच्चे ने की किया। मैं आपका नाम, आपकी कमाई, आपकी जिंदगी आप करना चाहता सी, इस करके मैं फिल्मा भी कीतियाँ, मैं क्रिकेट भी खेली, क्रिकेट मैं खिलाई, मैं बंडिया, तो मैं अपने गुरुआं दे पैर ते चलिया। सो मैनू फिल्म वाली जिहड़ा सवाल भाई जी ने किया, गुरु नानक सब तेरी वड्याई कोई नौ न जाने, मेरा नाम है एक्टर ना मैं कुछ, मैं तो गुरु घर दे कुकरा दा कुकर ते शहीदां दी जुत्ती दी मिट्टी है। एंटरटेनमेंट नाल जुड़ी हर एक खबर लई साडा फेसबुक पेज बॉलीवुड तड़का पंजाबी लाइक करो, यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो ते इंस्टाग्राम पेज नू फॉलो करो।